जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है कर्क राशि के लिए अप्रैल 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप एवं इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कर्क राशि वाले यदि कोई मित्र हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे कर्क राशि के लिए अप्रैल 2016 कैसा है इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य चलेंगे आपकी राशि से नौवें स्थान में, साथ में शुक्र भी यहाँ पर चल रहे हैं नौवें स्थान के अंदर। तो भाग्योदय के लिए जो ये मंथ है आपके लिए बहुत मायने रखता है, भाग्य उदय होने वाला है। 13 अप्रैल 2016 के बाद सूर्य चलेंगे दसवें स्थान में, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है। सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। बिजनेस एवं करियर वाइज ये मंथ बहुत शुभ है। लव मैटर में भी सक्सेस है क्योंकि नौवें स्थान में शुक्र प्रणय संबंधों में भी सफलता देने वाले बनेंगे। तो कुल मिला के जो ये मंथ है आपके लिए बहुत शुभ है और खास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है 4 और 5, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।